अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद, आप देख रहे हैं शाहिद ओवरटेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन है 5। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल में हमने इलेक्ट्रिक करंट, करंट एम्पियर और हमने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हमने हमारा 5 जो लेसन का 5 टॉपिक था, उसमें हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सेमीकंडक्टर के बारे में हमारा आज का टॉपिक है। कंडक्टर की खुसूसियात भी उसके अंदर पाई जाए, और हम जब सेमीकंडक्टर बोलते हैं दोस्तों, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगा, इसकी जो डेफिनेशन होगी दोस्तों, सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है। सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? ऐसे मटेरियल जिनमें कंडक्टर की खसूसियात और इंसुलेटर की खसूसियात भी पाई जाएं। कंडक्टर की खसूसियात भी और इंसुलेटर की खसूसियात भी पाए जाएं, वो मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहलाते हैं। दोस्तों, ये हाइब्रिड मटेरियल होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है? हाइब्रिड मटेरियल होता है। इसमें आप कंडक्टर की खसूसियात भी देख सकते हैं और इंसुलेटर की खसूसियात भी देख सकते हैं। लास्ट हमने दो लेक्चर में हमने पढ़ा था, 4 और 3 लेक्चर में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। दोस्तों, कंडक्टर कौन सा मटेरियल होता है जिसमें से करंट गुजर जाती है, और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से करंट नहीं गुजरती। हम इंसुलेटर से करंट को रोक सकते हैं और कंडक्टर से करंट को गुजार सकते हैं। तो ये एक ऐसा मटेरियल है सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसमें से आप करंट रोक भी सकते हो और करंट को गुजार भी सकते हो। दोस्तों, ये हमारे ऊपर डिपेंडेड होता है कि हम वो मटेरियल किस तरह बना रहे होते हैं, हम उस मटेरियल को कैसे बनाएंगे। लेकिन वो मटेरियल की जो इंटरनल खसूसियात होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि उनमें से करंट गुजर भी रहा होता है और उनसे करंट रोका भी जा रहा होता है। तो दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से हम दोनों खसूसियात उसके अंदर देख रहे होते हैं। तो दोस्तों, अभी हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स देखेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन कौन से हैं। कंडक्टर मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर मटेरियल दोस्तों दो किस्म के हैं। एक आपका सिलिकॉन और दूसरा आपका जर्मेनियम। दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपके दो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, ठीक है दोस्तों, जिनके अंदर आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल की खसूसियात पाई जाती हैं। दोस्तों, कंडक्टर के बारे में भी हमने दो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी और एक हमने उसको इंटरनल उसकी खसूसियात देखते हुए हमने दूसरी उसकी डेफिनेशन देखी थी। तो सेम दोस्तों, सिलिकॉन मटेरियल की भी दो डेफिनेशंस होती हैं। वो दो डेफिनेशन क्या होंगी दोस्तों? एक तो हमने पढ़ लिया है कि ऐसे मटेरियल जिनमें से जिनके अंदर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर मटेरियल दोनों की खसूसियात पाई जाएं, वो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन दोस्तों, वही हम एटम की एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास एक सिलिकॉन मटेरियल है। अगर मैं सिलिकॉन मटेरियल को देखूँगा तो दोस्तों, इसके बैरूनी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कि हमें पता चलेगा कि ये सिलिकॉन मटेरियल है। दोस्तों, हमने कंडक्टर मटेरियल को देखा तो कंडक्टर मटेरियल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो वो कौन सा मटेरियल होता था दोस्तों? वो कंडक्टर मटेरियल होता था, ठीक है, जिनके बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता था या 2 होते थे या 3 होते थे। तो इसी तरह दोस्तों, अगर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन वाले होते थे
तो वो आपके इंसुलेटर मटेरियल होते थे। कौन से मटेरियल होते थे दोस्तों? इंसुलेटर मटेरियल होते थे, ठीक हो गए, जिनके बैरूनी शेल में 5, 6, 7 और जिनके बैरूनी शेल में 1, 2, 3। दोस्तों आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पता चल गया, तो लास्ट लेक्चर में हमने इनको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा भी था। तो इसी तरह दोस्तों अगर मैं सिलिकॉन मटेरियल के एटम को देखूंगा तो उसके बैरूनी शेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। जिस मटेरियल के बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हम आंखें बंद करके उसको सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर मटेरियल कहेंगे दोस्तों। दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन रखने वाला मटेरियल जो होगा वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। कौन सा मटेरियल होगा दोस्तों? वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा जिसके बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन रखने वाला मटेरियल सिलिकॉन। देख लें दोस्तों, इसमें हमने 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 1, 2, 3, तो दरमियान में 4 इलेक्ट्रॉन हम छोड़ रहे थे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की डिस्कस ही नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल ही सेमीकंडक्टर मटेरियल था। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसको हम कंडक्टर कैसे बनाते हैं, इसको हम इंसुलेटर कैसे बनाते हैं। ये दो खसूसियात हम इसको इसकी देखेंगे कि वो कैसे कंडक्टर बनता है और कैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल को कंडक्टर कैसे बनाते हैं। दोस्तों अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल कंडक्टर कैसे बनता है। दोस्तों आपने बॉन्डिंग के बारे में आपने पढ़ा था कि हमारे बहुत सारे एटम, बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, जो आपस में इश्तराक करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिला के एक बॉन्ड बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। दोस्तों ये हमने 9th-10th के अंदर स्टडी किया था, लेकिन मैं आप नए लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि हम बहुत सारे मटेरियल को आपस में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, तो वो, लेकिन बहुत सारे एटम ऐसे हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, जो आपस में बॉन्डिंग नहीं बना सकते। तो बहुत सारे एटम और बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिनकी आपस में हम बॉन्डिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मेरे पास एक सिलिकॉन मटेरियल है, आपको पता है सिलिकॉन मटेरियल के बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसी तरह दोस्तों हमने एक इंसुलेटर मटेरियल लेना है। जब हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल को कंडक्टर बनाना होगा तो हम एक इंसुलेटर मटेरियल लेंगे। आपको पता है इंसुलेटर मटेरियल के बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने अब इंसुलेटर मटेरियल को सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर बॉन्डिंग करवानी है, इसका हमने इश्तराक करवाना है, ठीक है दोस्तों। तो इश्तराक कैसे होगा? दोस्तों इश्तराक करने के लिए मुझे इसका ये शेल तोड़ना पड़ेगा, या जब हम तोड़ेंगे इसके शेल को हम इसके अंदर यूं मिलाएंगे, ये इस तरह बॉन्डिंग करेगा। ये बॉन्डिंग कैसे करेगा दोस्तों? हम एक जार लेते हैं, उसके अंदर हम सिलिकॉन मटेरियल और इंसुलेटर मटेरियल को पिघला के डाल देते हैं, उस फर्नेस के अंदर डाल देते हैं। ये बेसिकली हम फर्नेस के अंदर हमने डाला है, तो ये आपस में हमने मिक्स कर लिया। जब हमने मिक्स किया तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन थे दोस्तों, 1, 2, 3, 4। अब जब 4 हुए तो ये एक शेल कंप्लीट हो गया, ये आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल के 4 इलेक्ट्रॉन और इंसुलेटर मटेरियल के 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो आपको मैंने बताया था जब 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो वो एक नोबल बन जाता है, लेकिन इसके तो 5 इलेक्ट्रॉन थे दोस्तों, तो 5वें इलेक्ट्रॉन वाला एक अलग से शेल बना लेगा। जब वो एक अलग से शेल बनाएगा तो उसके बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो दोस्तों जब उसके बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल कंडक्टर होता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया
कि जब हम सिलिकॉन मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल और इंसुलेटर मटेरियल को आपस में मिक्स करते हैं, उसको आपस में बॉन्डिंग करवाते हैं, जब हम उसको एक जार के अंदर, एक डब्बे के अंदर पिघला के मिक्स करते हैं, तो वो दोनों मटेरियल आपस में मिक्स होके कंडक्टर मटेरियल बना लेते हैं। दोस्तों, इस तरह हम सेमीकंडक्टर मटेरियल से कंडक्टर बना लेते हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर मटेरियल से हम इंसुलेटर कैसे बनाएंगे? सेमीकंडक्टर मटेरियल से इंसुलेटर कैसे बनाते हैं, अभी हमारा टॉपिक ये है। तो दोस्तों, हम फिर से सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक एटम लेंगे जिसके बरौनी शेल में चार इलेक्ट्रॉन हैं। अब इंसुलेटर बनाने के लिए हम इसके अंदर कंडक्टर मटेरियल को मिक्स करेंगे। दोस्तों, क्या करेंगे, हम कंडक्टर मटेरियल लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वाला भी ले सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन वाला भी ले सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन वाला भी हम ले सकते हैं। अगर दोस्तों मैं एक इलेक्ट्रॉन वाले को इसके अंदर मैं बॉन्डिंग करवाऊंगा तो वो कैसे होगी? दोस्तों, वो कुछ इस तरह से होगी कि मैं इसको काटा, मैंने इसको इसके अंदर मिक्स किया, जब मैंने इसको इसके अंदर मिक्स किया तो वो जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ गया। तो दोस्तों देखें, अब हम इलेक्ट्रॉन को गिनती करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन, चार और पाँच। हमने देखा है दोस्तों, पांच इलेक्ट्रॉन जिस एटम के बैरूनी शेल में, जिस मटेरियल के एटम के बैरूनी शेल में पांच इलेक्ट्रॉन हो तो वो कौन सा मटेरियल होता है, वो इंसुलेटर मटेरियल होता है। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि सेमी कंडक्टर मटेरियल में हम कंडक्टर मटेरियल को मिक्स करते हैं तो वो इंसुलेटर बन जाता है। अगर मैं सेमी कंडक्टर मटेरियल में इंसुलेटर को मिक्स करूंगा तो वो कंडक्टर बनाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा जो लेसन 5 था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों, एंड पे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। दोस्तों, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।